अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हबीब-ए-मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का आज काम शुरू हुआ है, जहां पर बल्दिया और औकाफ बोर्ड दोनों मिलकर जो इंक्रोचमेंट्स है यहां पर के रोड बेंडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर जो इंक्रोचर्स हैं उनको निकालने का आज सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये दो चार दिन के अंदर जो है सो ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मुकम्मल होगा, क्योंकि जोराबी की दरगाह से बाबा नगर रक्षापुरम तक जो अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने एक 8 साल पहले जो रोड बेंडिंग करवाई थी, उसके बावजूद भी जोराबी की दरगाह के पास आवाम को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। उसको नज़र में रखते हुए अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर यह जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मंजूर करवाया और यहाँ पर औकाफ के जायदाद रहने की वजह से औकाफ और बल्दिया को लेते हुए काम करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा, कुछ लोग इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं काम को रुकाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम करके इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। लोगों का कहना ये है कि जो वर्क बोर्ड को ये लोग जो है किराया देते थे, वर्क बोर्ड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उनको कोई जगह और कोई इसका मुआवजा नहीं दिया। नहीं, वर्क बोर्ड को तो GHMC ऑलरेडी इन्फॉर्म करी है, वर्क बोर्ड उसकी जिम्मेदार है और ये वर्क बोर्ड के किराएदार है और इसके मुतवली भी है। साहब इनको कोई मुआवजा नहीं मिला, इनको मुआवजा नहीं, जी वक्फ बोर्ड को मुआवजा देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड लैंड है। GHMC जो है तो वक्फ बोर्ड को चेक इशू करिए, उसके बाद जो है सो मुतवली है, निगरानकार है, उन्हों उस किराएदार को किस तरीके से हैंडल करना है वो वक्फ बोर्ड का काम है और मुतवली का काम है, जिम्मेदारी है, उसमें GHMC का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो जिसकी जायदाद है उन्होंने अपने किराएदार को देखना, अगर वहाँ पर जगह बच रही है तो वो वक्फ बोर्ड का काम है और उनके मुतवली का काम है, हम तो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो उनकी जिम्मेदारी अब हमारी नॉलेज के हिसाब से मुतवली जिम्मेदार है, उन्हें वसूल करना चाहिए किराया। विदाउट इंफॉर्मेशन ये 4 ईयर से जो है सो बार बार हम GHMC के ऑफिसर जाकर वहाँ पर बोल रहे थे। ऑलरेडी 3-1.5 साल पहले सामने अनमोल होटल, उसके बावजूद के प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड GHMC की जानिब से तोड़ा गया रोड बेंडिंग की शक्ल में। उसके बाद हुकूमत के बल्दिया ने बजट की कमी रहने की वजह से ये लेट हुआ। अब गवर्नमेंट की तरफ से बल्दिया की तरफ से बजट मंजूर होने के बाद फिर ये डिसमेंटल रोड बेंडिंग का काम स्टार्ट हुआ। टोटल जो है सो वो रिकॉर्ड जो है सो ऑफिसर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से आया हूं। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्लाह खान, तहसीलदार एंड OSD है। मैं डिप्टेशन पे हूं रेवेन्यू से। हमारे को जो है सो CEO साहब के आर्डर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम IPS और जो है सो चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब, ये जो है सो पॉलिसी मैटर है बोर्ड की तरफ से जो है सो ये रेजोल्यूशन पास करके और जो है सो CEO साहब के आर्डर से ये GHMC की तरफ से क्या है रोड वेडनिंग का काम है। ये तकरीबन 2 साल से जो है सो ये लोग बोल रहे हैं कि ये पूरे खाली करना है। एक हफ्ता 10 दिन पहले भी आके हम लोग पूरी टीम आके हर मलगी को फिर के बोल के गए कि जो है सो 4-5 दिन में पूरा निकाल दे रहे हैं, आप लोग का जो भी है यहाँ से जो सामान वगैरह जो भी है निकाल लो बोल के बोले। वो गए सो हफ्ते कुछ बोले निकालने का, नोटिस वगैरह बोलो बस GHMC की तरफ से आता। सूर्य लोग का कहना ये है कि ये लोग जो है वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं। हाँ हाँ, तो अब आप जो है ये चीज़ को अगर ख़त्म करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये किराया किसको दे रहे हैं आप बोले तो मैं इसके जवाब बोल रहे हैं। सब किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं किराया? नहीं 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 नहीं, ये किराया किसको दे रहे हैं? मुतवल्ली को दे रहे हैं। तो मुतवल्ली काम है नोटिस देना और वो लोगों को होशियार करना, ये चीज़ है ऐसा चल रही, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं किराया वसूल कर रहा हूँ, बल्कि उन्हों करना, मुतवल्ली साहब नहीं करे तो उसका जिम्मेदार जो है सो हम नहीं हो सकते। मुतवल्ली क्या है? केयर टेकर। सुनिए, केयर टेकर है तो उन्हों जो है सो करना, मुतवल्ली साहब जो है सो अंधेरे में रख के करे सो है ये। नहीं नहीं नहीं, वसूल कर रहे हैं, नहीं वसूल कर रहे, नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मालूम करके बोल रहा हूँ। मैं मुतवल्ली साहब ज़रा बोल देते तो ये लोग भी जो है सो मालूम होता कि ये वक्फ बोर्ड तरफ से हो रहा है। GHMC जो है सो ऑलरेडी आर्डर ले लिया वो लोग कलेक्टर से और चेयरमैन से ये और CEO से, लिहाजा वो लोगों का काम लोग बोले ऑलरेडी बोले उसके हिसाब से काम। अच्छी बात है, जो भी है अगर कोई बात करना चाह रहे तो चेयरमैन साहब से CEO साहब से भी ऑफिस जाके जो सो आप लोग रिप्रेजेंटेशन आपका जो भी तकलीफ है दे ले सकते हैं, उसमें कोई जो है सो हरज नहीं है। आप लोग जो है सो फुल पावर से जाके मिल सकते हैं, पब्लिक जो भी है जिसका जो भी गया जैसा है।
अब यहाँ से ये है, इधर पीछे भी है, फिर ये इधर साइड भी, आगे भी जो है वर्कर जो भी है जिम्मेदार उसको बराबर बराबर जुडिशियल पावर के वास्ते भी हम गवर्नमेंट को लिखे हैं। जुडिशियल पावर आए तो जो है बहुत और तेजी से काम होता, और वर्क बोर्ड में जो है सो मैन पावर कम है, गवर्नमेंट को हम लिखे मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज कम है और जो है सो काम ज़्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट को एक इंस्पेक्टर होना है, वो जो है सो अब तक जो है सो अमल में नहीं आ रहा। अगर एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे और जो है सो तो बेरोजगारी भी ख़त्म होगी और जो है सो काम जो है सो और अच्छा होगा। ये जो है सो ये भी जो डेवलपमेंट के वास्ते कर रहे हैं ये भी गलत बातचीत कर रही है।